इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे। फैसला आ चुका है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस फैसले का इंतजार था। बता दें आपको, कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में फैसला आ चुका है और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। जी हाँ, मुस्लिम पक्ष की याचिका इस वक्त खारिज कर दी गई है, ये बड़ी खबर। 2 बजे का समय बताया जा रहा था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट उस पूरे मामले में फैसला देने का जिक्र हुआ था, और अभी बड़ी खबर ये कि मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका लगाई गई थी वो उसको खारिज कर दिया गया है। प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है, कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है ईदगाह की जमीन जो है वो दे दी जाए यहाँ पर, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर याचिका लगाई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका फिलहाल इस वक्त खारिज कर दी गई है। सबसे बड़ी खबर कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद से इस वक्त आपको जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो आज पूरे मसले की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी थी और हाईकोर्ट की तरफ से फैसला जो है फिलहाल वो दिया गया है और सिविल वाद को हाईकोर्ट ने सुनवाई योग्य माना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। ये फिलहाल बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने निकल के आ रही है। कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो इस वक्त सामने निकल के आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है, कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, खासकर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष जो है दोनों ही इस पर अपनी निगाहें बने हुए थे। मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद गुफरान, फिलहाल ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष का जो आवेदन था रूल 7-11 की जो एप्लीकेशन दी गई थी उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कुछ इशूज पर सुनवाई के लिए जरूर कोर्ट ने एक तारीख तय की है 10 अगस्त की, लेकिन मुस्लिम पक्ष को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट से। जो पोषणीयता को चुनौती दी गई थी, सिविल वाद की जो पोषणीयता थी उस पर सवाल खड़े किए गए थे, उस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका है, और जो 18 अलग अलग सिविल सूट जो दाखिल है मथुरा की कोर्ट में उन पर सुनवाई का जो रास्ता है वो भी फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने पोषणीयता पर सवाल खड़े करते हुए रूल 7-11 की जो एप्लीकेशन दी थी उसके आधार पर चुनौती दी गई थी, और ये कहा गया था कि जो सिविल वाद दाखिल है उसको सुना नहीं जा सकता, सुनवाई के योग्य नहीं है, नियम विरुद्ध है। इस लिहाज से ये जो फैसला है अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रूल 7-11 की जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज करके सीधे तौर पर आज झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए, और हिंदू पक्ष को एक तरीके से बड़ी राहत है और उसके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर भी इस फैसले को देखा जा रहा है। बिल्कुल गुफरान, अभी अगर बात की जाए तो क्या कहते हुए याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की निगाहें जो है फिलहाल इस पूरे मामले पर टिकी हुई थी, क्या फैसला सामने निकल के आएगा? बिल्कुल, देखिए इस फैसले से सीधे तौर पर जो हिंदू पक्षकार हैं उनके लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल गुफरान, तो ये बता दें आपको इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष का दावा जो है वो मजबूत साबित नजर आया यहाँ पर, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की याचिका लगाई गई थी उसको कोर्ट ने सुनने योग्य नहीं माना है, उसको खारिज कर दिया, जिससे निराशा जो है वो मुस्लिम पक्ष के हाथ में फिलहाल